गुड मॉर्निंग एवरीवन। और भाई सुबह मैं 6 बजे उठा था, लेकिन उसके बाद फिर से सो गया था। और फाइनली अभी मैं 9 बजे उठा हूँ, और 9 बजे उठने के बाद है भाई सीधा मैं खेतों की साइड आ गया, क्योंकि पानी तो नहरों में लगभग आने ही वाला है। रबी फसल के लिए जो और खेत हैं, ये हमारे चाचा जी का खेत है, ये इनकी पूरी जोताई हो चुकी है, अपना पूरा खेत बचा हुआ है। भाई चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है, और उसका भी जोताई करने का टाइम अब आ गया है, तो देखते हैं जल्दी से उसका भी जोताई कर लेंगे, फिर बोना भी पड़ेगा ना भाई। तो अपन तो आ चुके भाई, ये अपना खेत है, और ये साइड वाला भी अपना खेत है, इसकी पूरी हमको अपन को जोताई करवानी पड़ेगी, और भाई इसी में हमको धान बोना पड़ेगा, ये वाला पूरा, इसमें भी पूरा, उधर पीछे में है, इधर है, इधर साइड में, सब में हमको जुताई करवा के धान बोना पड़ेगा। और गाइस मैं सोच रहा था कि सिर्फ हम लोग ही पीछे हुए, लेकिन भाई इधर अगल बगल में किसी के खेत का जुताई नहीं हुआ है। मैं सोच रहा था कि हम ही लोग ही ऐसे हैं जो आलसी टाइप से बैठे हुए हैं, लेकिन भाई सिर्फ हम आलसी नहीं है, बाकी सब लोग आलसी हैं। और मतलब 10% खेत इधर का जुताई हुआ है, बाकी पूरा बचा हुआ है। तो देखते हैं जल्दी से इसको करवाएंगे, उसके बाद फिर भाई पानी जब नहरों में आ जाएगा तो फिर बुआई करनी पड़ेगी ना। चलो भाई निकलते हैं। अरे गाड़ी का चाबी तो ऑन ही भूल गया था भाई, देखो गाड़ी चाबी ऑन ही भूल गया था, बच गया उधर निकल, नहीं तो फिर इधर कोई इधर पार करने का दिक्कत तो है नहीं। लेट नहीं करते भाई, सीधे घर चलते हैं, चलो नहाना भी पड़ेगा। और भाई अपनी इस गाड़ी को मैं ऐसे ऐसे खेतों से चला कर आ रहा हूँ भाई, ऐसे ऐसे रस्तों से चला कर आ रहा हूँ देखो। और भाई जब इसको इसमें चला कराओगे तो फिर ऐसे हद हद करती है ना, तो पूरा बॉडी हिल जाता है, मतलब क्योंकि इन खेतों की जुताई अभी अभी हुई है ना, और ये जो रोड है, ये मतलब जो गाड़ियों के आने जाने के लिए बनाया गया है, भाई ट्रैक्टर का चक्का पड़ा इसलिए, लेकिन इसी वजह से बाइक मिस क्या है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हद हद होता है। चलो भाई वापस तो आ गया, दीवारों में क्यूरिंग करते हैं, उसके बाद फिर कॉलेज जाना पड़ेगा, जल्दी नहाकर कॉलेज के निकलता हूँ। दीवारों में पानी डाल दिया भाई, अब सीधे नहाता हूँ, नहा तो रेडी हो गए भाई, और खाना भी खा लिया, मिर्ची इतना ज्यादा था, मम्मी राजमा बनाई थी उसमें बहुत ज्यादा मिर्ची था, फिर इसमें दूध रखा हूँ साथ में बिस्किट, दूध और बिस्किट को एक में मिक्स करके खाऊंगा भाई। और ये जो आपको खराब सा दिख रहा है, अभी घर में काम वाम चल रहा है उसका ये, जब पूरा काम अपना कंप्लीट हो जाएगा, जब पेंटिंग का टाइम आएगा तो फिर अच्छे से इसको साफ करेंगे, इसको पुट्टी करके इसको पूरा रेडी कर देंगे, तो फिर ये जो खराब दिख रहा है वो भी सही हो जाएगा भाई। दूध और बिस्कुट को मिलाने के बाद कुछ ऐसा दिखता है भाई, काफी अच्छा लगता है खाने में। अभी तो गाइस मैं बाहर आ गया, क्योंकि बाहर का जो मौसम है वो बहुत बढ़िया हो रहा है, मतलब ना ही ज्यादा गर्मी ना ही ज्यादा ठंड है, धूप भी नहीं निकली है, एकदम जैसे देख सकते हो बहुत बढ़िया सा मौसम हुआ है, तो फिर बाहर ही आ गया थोड़ा सा मौसम का मजा लेने के लिए। आज का मौसम बहुत बढ़िया है भाई, मतलब और बाहर में एक लड़का भी आया था, उसका मतलब जो मैं हंस रहा हूँ उसी के बातों को सुनकर हंस रहा हूँ भाई, रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया लेकिन उसका जो बात था वो सुनते तो फिर अगर अपलोड कर पाता मैं तो फिर वो और अच्छा होता, आप भी सुन पाते, बहुत फनी फनी जोक मारा था, बहुत अच्छा बात कर रहा था भाई। जी माँ क्या भाई, चलो भाई निकलते भाई घर जिम से तो मैं बहुत पहले आ गया था गाइस, लेकिन आज क्या उसके बाद अपना इधर उधर का कुछ काम था उसको करने के लिए गया था, लेकिन आज थकावट इतना ज्यादा हो गया, इधर उधर काम बहुत ज्यादा था, जिम में भी थोड़ा ज्यादा ही मतलब पुशअप वगैरह कर दिया था, थकावट भी अब बहुत तेज लग रही है भाई, तो फिर अभी वीडियो को तो मैंने ऑलमोस्ट एडिट कर लिया है, और लास्ट में भी जो क्लिप मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा, जोड़ दूंगा, उसका वीडियो को एडिट करके मैं भाई खाना खाकर सोऊंगा, मेरे को बहुत नींद आ रहा है, बहुत थकावट भी लग रही है।
तो भाई चलो आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर आप चैनल में ना तो और भाई अगर आप चैनल में ना तो फिर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक यू। वीडियो को देखने आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।